चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों आइए आज हम लोग बात करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में नए टॉपिक के साथ हम आए हैं प्रकाश। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, और आज हम लोग फिर से फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, और यह क्वेश्चन हम लोग वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आप पूरी थ्योरी देखने के बाद आप अपने से इसका रिप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, पहले थ्योरी देखते हैं। अगर हमने लिखा है प्रकाश तो देख लेते हैं प्रकाश होता क्या है। अगर हमने चैप्टर का नाम लिखा है प्रकाश तो देख लेते हैं प्रकाश होता क्या है। अगर बात करें दोस्तों प्रकाश की, तो हम लोग प्रकाश को डिफाइन करेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। क्या कहेंगे? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अगर दोस्त आपसे यहीं से पूछा जाए, आगे एक टॉपिक और आगे आए, तो हम पूछे कहेंगे कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो आपके आंसर होंगे कि प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। यहाँ पे हमने आपके सामने लिखा है प्रकाश के स्रोत। आइए देखते हैं प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करें हम लोग, तो उसमें सूर्य आ जाएंगे और तारे आ जाएंगे। अगर आपके मन में आता है कि सर यहाँ पे चंद्रमा भी होगा, तो चंद्रमा क्या है? प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे चंद्रमा को मेंशन नहीं करेंगे। आइए देखते हैं सेकेंड के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा है कृत्रिम स्रोत। अगर कृत्रिम स्रोत की बात करेंगे, तो जो मैन मेड करता है, जिसको मनुष्य खुद बनाता है, वो स्रोत किसमें आते हैं? कृत्रिम स्रोत में आते हैं। अगर कृत्रिम स्रोत की बात करें, तो जलती हुई ट्यूबलाइट हो जाएगी, जलती हुई मोमबत्ती हो जाएगी, ये सब जितने भी मैन मेड है वो सब किसमें आ जाएंगे? कृत्रिम स्रोत में आ जाएंगे। दोस्त आगे अगर बात करें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अगर हम लोग बात करें अगले टॉपिक की अपने, तो देखेंगे प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। अगर कुछ साइंटिस्टों में मतभेद था, किसी ने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरण करती है, और किसी ने बताया कि प्रकाश वेव्स पार्टिकल्स के रूप में संचरण करती है, अर्थात प्रकाश कण के रूप में संचरण करती है। दोस्त यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप बेसिक से इसको समझिए, इसके बाद हम लोग और ऊपर बढ़ते जाएंगे। अगर दोस्त बात करें यहाँ पे हम लोग तरंग की, हमने बोला कि प्रकाश किसमें चलती है? तरंग के रूप में भी, और प्रकाश कण के रूप में चलता है। अगर तरंग की बात करें, तो देखो दोस्त तरंग को हम लोग अगले टॉपिक और अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग तरंग के बारे में पढ़ेंगे, जो साउंड वाला हमारा चैप्टर होगा। यहाँ पे हम लोग केवल थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर तरंग की बात करेंगे, तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। तो हमने बोला कि प्रकाश तरंग के रूप में संचरण करती है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश जो है अयांत्रिक तरंग का उदाहरण है, अर्थात प्रकाश कैसे तरंग का उदाहरण है? अयांत्रिक अर्थात नॉन मैकेनिकल वेव्स का। ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, और वे ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के आधार पर हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या अयांत्रिक तरंग है। क्लियर? अगर यहां से फिर से आता है कि प्रकाश या कौन सी तरंग है, तो वहां पे देता है आपको ऑप्शन में कि अनुप्रस्थ तरंग है, कि अनुदैर्ध्य तरंग है, कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। देखो यहां पे अगर आंतरिक तरंग की बात करेंगे, तो आंतरिक तरंग को जब हम लोग बांटेंगे, तो आंतरिक तरंगें दो टाइप्स की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अब देखो अनुप्रस्थ वैसी तरंगें होती हैं जिनको संचरण करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब यहां से दोस्त बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के किस घटना के आधार पर यह पुष्टि होता है
कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पूछता है कि प्रकाश के किस गुण के आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे अगर यांत्रिक दे दे, विद्युत चुंबकीय तरंग दे दे, तो प्रकाश आंतरिक अयांत्रिक और विद्युत चुंबकीय दोनों तरंगे हैं और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग तरंग में क्या पढ़ना है और कण में क्या पढ़ना है। अगर तरंग के आधार और दोनों, किसी ने बोला कि प्रकाश कैसी व्यवहार करती है तरंग के रूप में, किसी ने बोला कि प्रकाश कैसे संचरण करती है कण के रूप में, इसी के आधार पर यह बताया गया कि प्रकाश कैसी प्रवृत्ति रखती है, प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखती है, अर्थात प्रकाश तरंग के रूप में भी संचरण करती है और प्रकाश कण के रूप में भी संचरण करती है। अगर दोस्त आपसे और आगे पूछे कि प्रकाश तरंग के आधार पर प्रकाश के किन किन गुणों को समझाया जा सकता है, तो आप देखिए तरंग के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के गुण को समझाया जा सकता है, अपवर्तन के गुण को समझाया जा सकता है, ठीक है, विवर्तन के गुण को समझाया जा सकता है, व्यतिकरण के गुण को समझाया जा सकता है और ध्रुवण के गुण को समझाया जा सकता है। और ध्रुवण ही ये जो पोलराइजेशन है यही पुष्टि करता है कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, यानी ध्रुवण के आधार पे ही हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि प्रकाश कैसी तरंगे हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, आगे अगर कण में पूछे कि आपको कण में क्या क्या हमको पढ़ना है, यहाँ पर तो देखिए कण में हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव, और सेकेंड आता है क्रोप्टन इफेक्ट। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किस साइंटिस्ट ने किया, तो आप इसका आंसर दीजिएगा आइंस्टीन। आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की क्या की थी, व्याख्या की थी, और इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। आपसे पूछेगा कि आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान के किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, तो आपका जवाब होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आपका क्लियर आंसर आइंस्टीन होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने लिखा है प्रकाश के कुछ गुण के बारे में, प्रकाश के एक गुण होते हैं ये फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं होगा। मैंने लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश कैसा चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है अर्थात 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब आप समझ लीजिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो कि किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को क्या करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन सबसे बड़ा गुण यह है प्रकाश का कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन प्रकाश वह ऊर्जा है जो कि क्या करती है, निर्वात में भी संचरण करती है। अगर बात करें आपको कि क्या ध्वनि निर्वात में ट्रेवल करेगी, नहीं, ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं करेगी, वह भी एक ऊर्जा का फॉर्म है, वह भी एक ऊर्जा का रूप है, लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चलेगी। ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर बात करें प्रकाश को चलने के लिए तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उष्मा की बात करें तो उष्मा को भी संचरण करने के लिए क्या पड़ता है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है, जबकि उष्मा भी क्या है, ऊर्जा का ही रूप है। तो हम बोल सकते हैं देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा गुण कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है और सारी ऐसी एनर्जी है कि जो निर्वात में बिल्कुल नहीं चल सकती, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है कि जो निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, राइट। और देखिए सबसे बड़ा पॉइंट ये भी पूछा हुआ था, प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, प्रकाश की चाल का पता किसने लगाया था, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, रोमर नामक साइंटिस्ट थे। रोमर नामक साइंटिस्ट कब थे, 1676 में। रोमर नामक साइंटिस्ट 1676 ईस्वी में प्रकाश की चाल का पता लगाए थे। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आपसे पूछता है कि प्रकाश की चाल का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था, तो कौन से लगाए थे, रोमर नामक साइंटिस्ट ने लगाए थे। ठीक है, यहाँ पे है ये चीज। अब देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से, यहां से भी इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछे आपसे चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना टाइम लगता है, तो देखो मैंने लिखा है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 1 मिनट 28 सेकेंड का समय लगता है। कितना लगता है गाइस? 1 मिनट 28 सेकेंड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी आप नोट डाउन करिए। और यहाँ पे मैंने सेकेंड यहाँ पे लिखा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, और कभी कभी ऑप्शन में आपको 16 के जगह पे 17 दे दे, और 16 ना दिया हो तो आप 17 पे टिक करके आइएगा, वहाँ पे भी गलत नहीं होगा। किसी किसी बुक में 16 दिया है, किसी किसी बुक में 17 दिया है, लेकिन एग्जैक्ट की बात करें तो क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला है स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अध्ययन ऑप्टिक्स कहलाता है, या प्राकर्षकी कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। आगे अगर बात करें तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात आप देख लीजिए कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? निर्वात में। और हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम माध्यम चेंज करते जाते हैं, प्रकाश की चाल क्या होती है? बदलने लगती है। सबसे ज़्यादा अगर बात करें प्रकाश की चाल कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है, और जैसे जैसे हमने मीडियम चेंज किया, हमारी प्रकाश की चाल गैस क्या हुई? कम होते गई। आगे आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होती है। इसका मतलब समझिएगा, सघन एकदम पास पास घना, और विरल माने फैला हुआ दूर दूर, अर्थात जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत पास पास रहेंगे, एकदम सटे रहेंगे, वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। और जहाँ पे पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले रहेंगे, वहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी? बहुत अधिक होगी। ठीक, आगे आइए देखते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। सबसे बड़ी चीज है, आप इसको याद कर लीजिए, जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। हम इसी के रेंज में प्रकाश की किरणों को देख पाते हैं। अगर प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्ध्य अगर 3900 एंगस्ट्रॉम से कम भी हो जाए तो हम नहीं देख पाएंगे, और 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा भी हो जाए तो हम नहीं देख पाएंगे। ये क्या है? ये सारा चीज प्रकाश के गुण में आता है। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। प्रकाश की आवृत्ति हमारी होती है 10⁴ से 10⁻¹ हर्ट्ज। प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी होती है 10^14 से लेकर 10^12 हर्ट्ज के बीच में होती है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आइए। हम जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? जो प्रकाश तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंग है? आपको ऑप्शन में दिया है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, उपयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका गाइस आंसर क्या होना चाहिए? जैसा कि आप थ्योरी पढ़कर आए हैं तो आपको थ्योरी से पूरा क्लियर हो गया कि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण होता है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटॉन। तो प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फोटॉन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होना चाहिए? डी। आगे आइए हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है?
तो दोस्त अगर तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होगी, द्वि अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और परावर्तन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ध्रुवण क्या करता है, ध्रुवण ही एक ऐसी घटना है जो कि यह बताती है कि तरंगे किस प्रकार के, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो यहाँ पे आप क्या ऑप्शन लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण के आधार पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था। पहला ऑप्शन है न्यूटन, बी वाला ऑप्शन है हाइगेंस, सी वाला है मैक्सवेल और डी वाला है फोकाल्ड। तो आपका आंसर जो होगा करेक्ट वो होगा सी, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सर्वप्रथम यह बताया था कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसने बताया था गाइस, मैक्सवेल ने। आइए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच, और ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। देखिए क्वेश्चन इसको क्या किया, ये इसको थोड़ा सा घुमा दिया, क्वेश्चन नंबर तीन को यहाँ पे क्या किया, घुमा दिया और पूछ लिया कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया तीक्ष्ण, बी दे दिया प्रगामी, सी दे दिया अनुप्रस्थ और डी दे दिया अनुदैर्ध्य। जैसा कि आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर थ्री में कि ध्रुवण की घटना के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है गाइस, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्त हम लोग मिलेंगे, जैसा कि हमने लिखा था प्रकाश, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिसिटी होती है, उनके क्या क्या डिफिनेशन होते हैं, सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में। और अगला बने पढ़ेंगे हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के नियम, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण में जो रे डायग्राम होता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे रखी जाए, कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बने, ये सारी चीज़ें हम लोग किस में बने पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन में। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, और इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा दर्पण सूत्र, और इसके बाद हम लोग इसमें एक और टॉपिक ऐड कर लेंगे, दर्पणों का उपयोग। हम क्या कर लेंगे, दर्पणों का उपयोग, चाहे हम लोग लिख सकें दर्पण का उपयोग, ये हमारा क्या होगा, लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा ये जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो आप देखना भूलिएगा नहीं, वो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। अगर गाइस ये हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक बार ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।